इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन के अंदर आने वाली अनवैलिडेटेड इनपुट्स के बारे में। तो अनवैलिडेटेड इनपुट्स क्या होते हैं? अनवैलिडेटेड इनपुट्स का मतलब है कि जो इनपुट्स आप पुट कर रहे हो वो वैलिडेट ना किए जाए, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसी वेब एप्लीकेशन में, जब ये वल्नरेबिलिटी होती है तो यूजर जब भी कोई इनपुट डालता है इनपुट फील्ड के अंदर, तो वो वैलिडेट नहीं किए जाते, क्लाइंट को वैलिडेट नहीं किया जाता प्रोसेस होने से पहले। तो वेब एप्लीकेशन और बैकएंड सर्वर में जब वो क्वेरी जाती है तो वो वैलिडेट नहीं होती है और वो बिना वैलिडेशन के ही एग्जीक्यूट हो जाती है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी मानी जाती है, अगर क्योंकि ज़्यादातर क्राफ्टेड पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि अगर इनपुट वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे लगा हुआ है तो अटैकर इजीली एचटीटीपी रिक्वेस्ट को टैम्पर करके, यूआरएल एड्रेस को टैम्पर करके, या फिर फॉर्म फील्ड्स और रिटर्न फील्ड्स का इस्तेमाल करके, या क्वेरी स्ट्रिंग्स में चेंजेस करके रिक्वेस्ट को बिना वैलिडेट हुए ही फॉरवर्ड कर देता है सर्वर पे या फिर बैकएंड सर्वर्स पे, जिससे वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और वो सारा का सारा डाटा आ जाता है। इन्हीं चीजों का फायदा उठाकर एक अटैकर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक कर लेते हैं, बफर ओवरफ्लो अटैक्स, इंजेक्शन अटैक्स, ये सब कर लेते हैं, जिसकी वजह से डाटा नष्ट हो जाता है और सिस्टम मॉल फंक्शन हो जाता है। तो ये अनवैलिडेटेड इनपुट टाइप की जो वल्नरेबिलिटी है, ये काफी खुद में एक अच्छी खासी वल्नरेबिलिटी मानी जाती है। और आने वाले प्रैक्टिकल्स में आप ये सब चीजें सीखोगे कि किस तरीके से ये सब चीजें काम करती है, बट उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अब तक है और किस टाइप की ये वल्नरेबिलिटी है, इनसे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं।